हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज फायरलेस कुकिंग करेंगे। बिस्किट का ये बॉर्बन का पैकेट ले लिया है, किसी बर्तन में निकाल लेंगे और हल्का गुनगुना दूध डाल देंगे, बहुत ऊपर तक नहीं डालेंगे। ऐसे रखे 5 मिनट तक छोड़ेंगे, हल्का हल्का दबाते रहेंगे। बीच में हम बिना मिक्सी के ही पेस्ट तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने ब्रेड स्लाइसेस ले लिए 9, और हार्ट शेप का हम ये केक बनाएंगे। ये साइड्स ट्रिम कर लेंगे, बहुत ही हल्की हल्की नाइफ से ट्रिम करेंगे। हार्ट शेप मैंने कैसे दी ये मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुकी हूँ। ये देखिए, तेज कोई बर्तन ले लें, ग्लास या कटोरी, उससे दे दें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी मैं वो वाले केक का। और ये देखिए, हल्के से दबाते रहे और बिस्किट हमारे इसी में घुल जाएंगे। धीरे धीरे से दबाते हुए घोल बना लेंगे हम। ब्रेड हमने यहाँ ले ली, यहाँ पर मैंने रियल का जूस लिया है। आप यहाँ पे पानी में चीनी घोल के भी डाल सकते हैं, फ्रूटी ले सकते हैं, कोई भी अपना फेवरेट जूस ले सकते हैं। नहीं तो 2 चम्मच चीनी लीजिए, पानी में घोल के वो पानी आप ऐसे स्प्रेड कर सकते हैं। और मैंने जूस को निकाला नहीं, डिब्बी को मैं हल्के हल्के दबा रही हूँ और वो निकलता जा रहा है। ये पेस्ट मेरा रेडी है। मैंने बहुत ही फाइन पेस्ट नहीं बनाया, इसमें बिस्किट के चंक्स आएंगे जो कि मुँह में आते अच्छे लगते हैं। ऐसे हमने एक लेयर रेडी कर ली अपनी, और उसके बाद सेकेंड लेयर ब्रेड की लगाएंगे और फिर से हम लेंगे जूस। पूरा जूस उसमें मैं लगा रही हूँ। तब तक आप लोग सब्सक्राइब का लाल बटन नीचे आ रहा होगा, क्लिक कीजिए। बेल आइकन आएगा, बेल दबा दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने नहीं किया, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। फिर से जो हमने चॉकलेट बिस्किट्स लेके बनाया था घोल, वो लगा लेंगे। इसमें चंक्स हैं जो कि अच्छे लगते हैं मुँह में आते हुए। अगर आपको नहीं पसंद तो आप बिल्कुल पेस्ट कर सकते हैं। थर्ड लेयर लगाई, फिर से जूस लगाया और वही पेस्ट लगा के हमने ये कंप्लीट कर लिया अपना केक। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये केक हमारा अच्छे से सेट हो जाएगा। केक सेट हो गया। अब मैंने ले लिया यहाँ पे हर्शीज सिरप। आप कोई भी चॉकलेट स्प्रेड या चॉकलेट सिरप ले सकते हैं। ये स्पैचुला ले लिया, कोई फैंसी टूल्स यूज़ नहीं करी मैं यहाँ पे। और इसको अच्छे से फैला लेंगे टॉप पे। अगर आप ऐसे छोड़ना चाहें तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो साइड से मैंने एक बार और हर्शीज सिरप लगाया, वो साइड्स में स्प्रेड हो जाएगा आसानी से। मैंने ले लिया यहाँ पे जेम्स। जेम्स के साथ मैंने शेप कर दिया। आप अपनी एक क्रिएटिविटी दिखाते हुए कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं। सिल्वर बॉल्स थी मेरे पास छोटी वाली, थोड़ी वो स्प्रिंकल कर दी। थोड़े से कलरफुल स्प्रिंकलर्स ले लिए, वो स्प्रिंकल कर दिए। और केक हमारा बनके बिल्कुल रेडी है। साइडों में जो हर्शीज सिरप गिरता है तो केक और भी अच्छा लगता है और बच्चों को बहुत पसंद आता है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।